शिर्क मुसलमानों में भी हुआ और होता है और होता रहेगा। सिर्फ वही शिर्क से बचेंगे जो कॉन्शियसली कुरान और सुन्नत को थाम लेंगे। इसलिए कि शिर्क को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान अपने ऊपर कुरान का क्राइटेरियन, कुरान का फुरकान लगा लेता है, वो अपनी जिंदगी में से आहिस्ता आहिस्ता शिर्क निकालना शुरू कर देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क की मिसाल के लिए समझाया, हदीस का मफहूम आता है कि शिर्क को पहचानना सख्त मुश्किल है, बिल्कुल जैसे तुम अंधेरी रात में काले पहाड़ पर ब्लैक कलर की चींटी को, काली चींटी को नहीं पहचान सकते, ब्लैक एंट को नहीं पहचान सकते, ऐसे ही शिर्क पहचानना भी मुश्किल है। बाज़ोकात हम यही समझ रहे होते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम तो शिर्क नहीं करते, लेकिन हम मुसलमान भी बहुत से तरों के शिर्क में मुब्तला रहते हैं। तो ढूंढने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ शिर्क है। और जो चीज़ आपके रिवायात में चली आ रही थी, आज पता चला शिर्क है, छोड़ दीजिए। यही है मोमिन कि जब इल्म आ जाए तो इल्म को थाम लेता है और अपनी ख्वाहिश को एक तरफ कर देता है, वरना वही अंजाम होगा जो कि इबलीस का अंजाम हुआ। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि हर दौर का मुसलमान कॉन्शियस रहे। हम अपने बुतों को खुद देख लें, सर की आंखों से नजर आते हैं या नहीं नजर आते हैं? हम कहते हैं सर की आंखों से हमारे बुत नजर नहीं आ सकते, इसलिए कि हमारे बुत तो दिलों में होते हैं, मगर मैं ये कहती हूँ कि हमारे बुत दिलों में भी होते हैं और सर की आंखों से नजर भी आते हैं। क्या हमारी औलाद हमारा बुत नहीं बनती? क्या हमारा माल हमारा बुत नहीं बनता? क्या हमारे घर हमारे बुत नहीं बन जाते? क्या हमारे स्पाउसेस हमारे लिए बुत नहीं बन जाते? वो शौहर जो बीवियों के कहने की वजह से और बीवियों की ख्वाहिशात को पूरा करने की वजह से हराम कमाई में इन्वॉल्व होते हैं, सूद और रिश्वत की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, उनकी ज़िंदगी का बत उनकी बीवी है। और वो बीवियाँ जो अपने शौहर को खुश करने की खातिर अपने रब को नाराज़ करती हैं, उनका बुत उनका शौहर है। और वो माएँ जो अपने बच्चों की खुशी की खातिर शरीयत का हर कदम जो है वो तोड़ती चली जाती हैं, शरीयत के अहकामात और फराइज से अपने आप को दूर करती हैं, उनका बुत उनकी औलादें हैं। तो हमें खुद ढूंढने की ज़रूरत है। कभी बुत दिल के अंदर होंगे और कभी बुत हमें सर की आंखों से नजर आएंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे बुत चलते फिरते हैं इस वक्त, और हमारे कुछ मुसलमान उम्मत के ऐसे बुत भी हैं जो लेटे हुए हैं मज़ारों पर, जाकर जो मांगते हैं, उन्होंने अपने उन बुजुर्गों को अपने लिए अल्लाह का शरीक बना लिया है, बुत तो बना लिए हैं। और किसी ने कहा भी था, ये अक्सर तफासीर में मेंशन किया जाता है कि कुफार के मुशरिकीन के बुत तो खड़े होने वाले होते थे, स्टोन आइडल वर्शिपर्स जो होते हैं तो खड़े हुए बुत होते हैं ना, हमारे बुत तो लेटे हुए होते हैं, इसलिए कि वो कब्रों में होते हैं। तो खुद कॉन्शियस होकर ढूंढने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर औलाद के एंगल से यहाँ एक बात मैं करती जाऊँ, ख़ासतौर पर जो बेटों की माएँ होती हैं, बेटियों की माओं को भी बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम बहुत ज़्यादा अपनी बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने में रब की दी हुई शरीयत को निगलेक्ट करते जाते हैं, और हमें एहसास नहीं होता कि हम कहाँ अल्लाह की दी हुई हदूद को जो है वो फलांग रहे हैं। लेकिन बेटों की माओं को मैं एक एंगल से ज़रूर कहना चाहूँगी, इसलिए कि हमारे कल्चर में माँ और बेटे की एसोसिएशन बिल्कुल ऐसी होती है जैसी समद बॉन्ड की और लकड़ी की। आई एम सो सॉरी टू से, सारी जिंदगी, एक तो उसका बच्चे का पैदा ही हो जाना, लड़के का पैदा ही हो जाना जो होता है, वो माँ को ऐसे लगता है कि जैसे उछाल उछाल कर छत पर जो है वो ले जाएगा। अगर बेटी पैदा होती, अभी भी ये हमारे माशरे का हिस्सा है ये कॉन्सेप्ट, और ये पढ़े लिखे लोगों के अंदर आज भी ये कॉन्सेप्ट है। क्या आज भी तीसरी और चौथी बेटी होने पर डाइवोर्स नहीं हो जाती है? आज भी होती है। और मैं कोई आपके एक बहुत ही ज्यादा लोअर स्ट्रेटा की बात नहीं कर रही हूँ, वहां तो बहुत ही बुरा हाल है, मैं तो पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ। तीसरी से चौथी बेटी होती है तो मर्द तलाकें दे देते हैं, और मर्द ज्यादातर अपनी माँ के कहने पर तलाक देता है, इसलिए कि माँ कहती है ये लड़का पैदा नहीं कर सकती। क्यों? वो कोई मशीन है जिसको आप खरीद के लाए? अगर मेडिकल साइंस पढ़ी होती तो कभी भी ये मुंह से जुमला ना निकलता। इसलिए कि औलाद की जेंडर अल्लाह ताला ने किसके ऊपर बेस्ड रखी है, अब तो साइंस खोल खोल के सब कुछ बता चुकी है, मर्द के ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने यह ताकत उस शख्स को दे दी, और यकीनन अल्लाह वही देगा जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन क्या माओ के कहने पर बेटे डाइवोर्स नहीं कर देते? वही माँ जिसको बेटा मिल जाता है वो जिंदगी भर उसके गिर्द तवाफ करती है। क्या हम खाना काबा के गिर्द तवाफ करते होंगे जो हम बेटों के गिर्द तवाफ करते हैं? और जब उसकी शादी कर देते हैं तो और उसका तवाफ बढ़ा देते हैं, बजाय इसके कि अब जाके थोड़ी सही शुरू करें जिंदगी की, और उस उम्र के हिस्से में जो है वो अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। जब बेटों की हम शादियां कर देते हैं तो हमारा तवाफ और बढ़ जाता है उनके गिर्द, और हम आजमाइश में डालते हैं बेटों को, बहू को सामने बिठाकर ये पूछ के कि तुम इससे ज्यादा प्यार करते हो या मुझसे। बहुत अहमकाना अप्रोच,
बहुत अहमकाना। और जब बेटे छोड़ के चले जाते हैं, जो कि उसका राइट है, अगर आपकी और औलाद है और आप सेहतमंद है और आपका अपना शौहर है और बेटा अपने घर में सेटल होना चाह रहा है, उसका राइट बनता है। अगर वो जाना चाह रहा है और माँ के पास से बेटा जो है वो चला जाता है, तो माँ ऐसे डिप्रेशन में जाती है कि उसको लगता है कि अब जिंदगी में कोई चीज उसको दोबारा से खड़ा नहीं कर सकती। ये क्या है? हमने अनकॉन्शियसली अपने बेटों को अपना बुत बनाया हुआ है। और हम कहते हैं हम तो बुतों की पूजा नहीं करते, हमारे तो कोई आइडल्स नहीं है, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। हम वही बात कंटिन्यूसली ये थीम करते हुए आ रहे हैं कि अपना एंकर रब को बनाएं, ना औलाद से एक्सपेक्टेशन, ना शौहर से एक्सपेक्टेशन, ना दुनिया के किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन। जब आप रब से एक्सपेक्टेशंस करेंगी तो याद रखें अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान में इंसानों के दिल हैं। आप अल्लाह की बंदी बनने की कोशिश करें, अल्लाह ताला इंसानों के दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत खुद ही डाल देगा। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है।